मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में अपराधी प्रवृत्ति में संलिप्त लोगों पर जिला एवं पुलिस प्रशासन ने कड़ी और बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अपराध करने वालों की संपत्ति सिरे से ध्वस्त की जा रही है। कलेक्टर संदीप जी आर और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन में छतरपुर जनपद में अपराध में संलिप्त माफियाओं की संपत्तियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के क्रम में शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसके तहत ग्राम रामगढ़ में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति शहजाद खान उर्फ सोनू स्टो के आलीशान मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर मैदान में तब्दील करने की कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर SDM, CSP, CMO सहित भारी संख्या में राजस्व और पुलिस विभाग तथा नगर पालिका का अमला मौजूद रहा। छतरपुर से संवाददाता मुसलीन खान की रिपोर्ट। नहीं नहीं आपका किस तरह की कार्रवाई की गई है और माफिया मुक्त अभियान के तहत क्या है? ये शासन द्वारा लगातार माफियाओं के खिलाफ अभियान रखा गया है। इसी तारतम्य में आज हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे SP सर, सचिन सर और कलेक्टर संदीप सर, इस अभियान में हमने कुछ शॉर्टलिस्टेड किए थे। ऐसे गुंडों को सिलेक्ट किया गया था जिनके हीनियस ऑफेंस, चाहे प्रॉपर्टी ऑफेंस हो, लूट, मर्डर, रड़ीबाजी, मतलब इनका इतना आतंक का पर्याय ये लोग थे कि लोग FIR कराने से सामने नहीं आते थे। तो इनके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी, अवैध तरीके से संपत्ति जो अर्जित की गई थी, उसकी जानकारी प्राप्त हुई। CO छतरपुर द्वारा बताया गया कि बिना अनुमति के इनके द्वारा लगभग 22 आरे एरिया में कंस्ट्रक्शन किया गया है और उनके द्वारा मजिस्ट्रेट पुलिस सहयोग मांगा गया था। उसमें आज हमारा पुलिस फोर्स, हमारे SDM और जनपद की टीम, नगर पालिका की टीम, सभी हम लोग यहाँ पे हैं और डिमोलिश की कार्रवाई की जा रही है। ये टेंटेटिव लगभग 1.5 करोड़ से कम नहीं होगा, उससे अब ही होगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन एरिया है 22 स्क्वायर फीट के आसपास आ रहा है। और ये है एक शहजाद उर्फ जो सोनू स्टोव के नाम से ज़्यादा यहाँ पॉपुलर था गुंडों में और माफियाओं में, जो लैंड माफिया भी बड़ा है, साथ में 302, 307 फायरिंग करना, जिन सब के लिए आम बात थी, उसका ये मकान था जिसको आज डिमोलिश किया हम सब ने। कितने केस लगभग होंगे? 20 से ऊपर अपराध लगभग इसके हैं यहाँ।